वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ योगेंद्र। तो आज मैं घर पर बैठा हुआ था तो कुछ दोस्तों ने फ़ोन किया कि भाई चलो घूमने चलते हैं। तो लोग आ गए हैं घूमने। ये रामपुर मंदिर टेम्पल है, ये जो है नगौत से कम 40 किलोमीटर और मैहर से 6 किलोमीटर पहले पड़ता है। आप यहाँ पर ज़रूर आइए, बहुत अच्छी मंदिर है। और यहाँ पे लोग, बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे एक ऐसा टेम्पल है। नगौत के लोगों को तो पता ही नहीं होगा, मतलब आसपास के लोगों को। तो आप आइए, बहुत अच्छी लोकेशन, एकदम नेचुरल है। और हाँ, आप आइए, यहाँ पे गंदगी मत फैलाइए, क्योंकि यहाँ आप लोग आते हैं तो हर जगह गंदगी फैला देते हैं। आप ही लोग की प्रॉपर्टी है, आप लोग इसका ध्यान रखें। ये राधा गोविंद का द्वार है, शायद अंदर एक मंदिर है, बंद है। यहाँ पे एक मंदिर था ना, वो अंदर इस तरफ से बंद हो, पट बंद हो गई, या तो अंदर इधर से बनाई होगी। कोरोना की वजह से बंद किए होंगे। काम चालू हुई थी बच्चे बंद हो, ये तो दोपहर का ना देखो, ये बना, ये तो दोपहर है तो पट बंद होगा। ये देखिए, ये गुफा है। गुफा क्या, ये तो मैन मेड है। शिव मंदिर भी है यहाँ पास। ये रहा शिव मंदिर, पीछे कहाँ से चले गए तुम लोग? वहाँ चलते हैं ना। हाँ भैया, भैया इसका इतिहास बता दीजिए थोड़ा, इसी का है, इस मंदिर का। कौन यहाँ रहते थे? कौन नीलकंठ स्वामी से? नीलकंठ स्वामी, नीलकंठ स्वामी, उन्हीं का मंदिर बनवाया। बाबा थी वो? हाँ, सन्यासी का, सन्यासी थे। अच्छा, यह महात्मा नया बन रहा है मंदिर, अब रिनोवेट हो रहा है, नहीं, ये पुराना है मंदिर, मतलब ये नया बन रहा है, पुराना था पहले, अब ये नया नया दिख रहा है। हाँ, ये अभी का है ना बनवाया। कितने साल पुराना मंदिर होगा? ये 100-150 बात है। 150 वर्ष पुराना मंदिर है, हाँ एमपी टूरिज्म में आने लगा है ना। हाँ चलिए ठीक है। अब कौन है इस समय इनके? वो यहाँ पे कोई बाबा जी होंगे? हाँ, बाबा जी हैं, दीपक जी हो गया, बाबा है यहाँ पे। वो यहाँ नगाव जिला करते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर्टिकुलर कोई बाबा नहीं रहते, मतलब पंडित टाइप से। हाँ, रहते अब वो मंदिर बंद है क्या, राधा गोविंद वाला? भोग लगा है, भोग लगा है, अच्छा अभी पट बंद किए। अच्छा अभी खोलेंगे। हाँ, अभी खोलेंगे। ठीक है, एक शेर की गुफा भी है ना? पहले रहा कौन सी, ये करते वाली है कि ये वाली? ये वाली नीलकंठ स्वामी जी के पास रहते थे। अंदर ना जाओ, आओ बैठे रहो। कोई कुछ ये तो बंद है, मक्खी है क्या इधर पे? इन्हीं में रात लगती है। ये है नीलकंठ बाबा, फिर उनकी दूसरे जैसे उनको जाती जाती। और ये उनकी धुनी जो जलती रहती। थोड़ा सा जो पहाड़ी जो देखते हैं उनका
हाँ ये परिवार में के अंदर में टूरिज्म में है तो वही करवाए हम हाँ वो तो मान लीजिए महानता ही रहेंगे प्रति टूरिज्म वूरिज्म में है तो सब उन्हीं के राम राम अब्बा राम राम कहाँ चल रहा है अरे हम जा रहे हैं भाई भाषण में अच्छा चलिए ठीक जंगल जा रहे हैं जंगल जा रहे हैं आप ठाकुर साहब हाँ बिस्किट तो नहीं खाए का अरे आप लोग खाइए अरे ले लीजिए ले ले बब्बा ले 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 जा रहे हैं तो हम खा बने पानी पिया कहाँ यहाँ कहाँ रहते हैं आप रामपुर मतलब यहीं आसपास यही गांव है रामपुर पहली बार आए हैं क्या दूसरी बार बहुत छोटा है कहाँ आए रहे अच्छा बहुत जने रहे स्कूल से आए थे आज ये रहा कि ऐसे बैठे थे बोले चलो घूम इसीलिए आ गए कि परिवार नहीं अब परिवार को लेके आएंगे ये प्रतीक्षालय लगता है ना किसी की धुनी है बाबा ये बब्बा ये नागौर सरकार के राजा महेंद्र सिंह की ये समाधि है अच्छा यहाँ दाह क्रिया किया गया है किनका राजा महेंद्र सिंह का हाँ। यहाँ मानव संस्कार किया गया है अच्छा राजा का रानी का हाँ, हाँ। ये उन्हीं की समाधि है ये उन्हीं की समाधि है अच्छा और रिकॉर्ड करते हैं आप टेप करते हैं क्या हाँ रिपोर्टर है ना हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको चैनल में आप टीवी में आएंगे ये दोनों पुराने के वो है अच्छा दोनों पुराने की समाधि है राजा और रानी की महेंद्र सिंह राजा थे अच्छा नागौर स्टेट के राजा थे अच्छा अब उनके वर्तमान में अब उनके बच्चा है कन्नू हजूर है नागेंद्र सिंह विधायक हैं शिवेंद्र सिंह के पास राजगद्दी है हाँ महाराज शिवेंद्र सिंह के पास नगौद में हैं नगौद किला है महाराज शिवेंद्र सिंह के पास राजगद्दी है उनके पास सबसे बड़े वही ये उन्हीं की पूरी प्रॉपर्टी है आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं ऐसा व्यू शायद है आप देखे हो कहीं एक सेकेंड मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग कहीं भी घूमने जाएं, लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें अपने साथ जो सामान लाते हैं गंदगी ना फैलाएं, सफाई का जरूर ध्यान रखें कहीं भी आप लोग गंदगी कर देते हैं जो कचरा है अपने साथ रखिए इसको फेंकिए मत और डस्टबिन में डाल दीजिए ये देखिए कितना कचरा है और ये एकदम नेचुरल जगह है भाई आप लोग आएं विजिट करें इसको और लोगों को बताएं इधर पे एक ऐसा टेंपल है एकदम देखिए मेरे पीछे कितना मस्त टेंपल है यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि इतना खूबसूरत है ये कि भयंकर शायद लो लाइट देखिए मेरे पीछे कितना शानदार व्यू और ये जो परस्मनिया क्षेत्र में है पूरा जंगल ही जंगल है इधर लेकिन आप लोग जरूर आए मैं तो कहूँगा लेकिन इसका जो है सफाई का जरूर ध्यान रखें आप घर में घुसे रहते हैं ऐसे घूमते रहिए देखिए कितनी शानदार प्लेस है
एकदम से खाई फट्टी हुआ भाई। इस टेंपल के बारे में गूगल में कुछ नहीं है, जो जब भाई साहब ने बताया वही है कि 150 पुराना टेंपल है ये, यहाँ कोई बाबा नीलकंठ जी महाराज रहते थे, उन्हीं का बनाया हुए टेंपल है। और गूगल में तो कुछ नहीं है, वही भाई साहब ने जो बताया वही है। और एक यहाँ एक टेंपल और है राधा गोविंद जी का, वो जो अभी भोग लगा हुआ है तो बंद है, देखते हैं हम लोग के रहते रहते यदि खुल जाता है पट तो वो भी दिखा दूंगा इस वीडियो में, बाकी देखते हैं क्या होता है, यदि खुल जाता है तो ठीक है। जानवरों का भी खास ख्याल रखें, कुछ कुछ ना कुछ प्रतीक गंदगी मत फैलाओ। चल ठीक है, ये वास्ता है।